जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नवी करीम से सामने आया है, जहां बुधवार की देर रात दो संदिग्ध एक घर से 20,000 रुपये की नकदी और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पीड़ित जब गुरुवार की सुबह उठा तो उसे मोबाइल और नकदी गायब दिखे, जिसके बाद उसने पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दो संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिन पर शक की सुइयां घूम रही हैं। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नवी करी में शकरकुई मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बराबर में जाकिर पुत्र मोहम्मद इकबाल रहता है। जाकिर ज्वेलरी बॉक्स बनाने का काम करता है, जो कि बुधवार की रात को परिजनों के साथ घर में सो रहा था। तभी दो संदिग्ध किसी तरह घर में घुस आए और उन्होंने पलंग पर रखे 20,000 रुपये नकद, 3 मोबाइल फोन चुरा लिए और फरार हो गए। गुरुवार की सुबह जब परिजनों की आंख खोली तो मोबाइल और नकदी गायब देख उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो असलियत का पता चला। पीड़ित ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।